आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग का वेट करे जिनके स्टेट में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उनकी काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है स्टेट कोटा और ऑल इंडिया दोनों की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था आपका कि ऑल इंडिया कोटा ही इस बार डिसाइड करेगा कि स्टेट कोटा किस तरह से मूव करेगा तो ऑल इंडिया कोटा देन स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा राउंड टू देन स्टेट कोटा राउंड टू कुछ इस तरह से शेड्यूल आया है कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी जिन स्टेट में अभी से कुछ भी नहीं हुआ है बिहार या फिर वेस्ट बंगाल जहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ उनका प्रोसेस बहुत ही जल्द स्टार्ट हो सकता है जैसे कि आपका ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का स्टार्ट हुआ है सेम पैनल के साथ आपका स्टार्ट हो सकता है बहुत ही जल्द आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है चलिए देख लेते हैं क्या है शेड्यूल एन द्वारा ये शेड्यूल दिया गया एन एम ने ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर रखा है जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में आपसे बताया था कि इस बार कुछ इस तरह से हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा है राउंड वन के बाद स्टेट कोटा राउंड वन हो फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड टू के बाद स्टेट कोटा राउंड टू हो सेम वही शेड्यूल यहाँ पर फॉलो किया गया है यू के लिए फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो ऑल तो तो इंडिया कोटा की होगी नाइन्टीन ऑफ जनवरी से लेकर ट्वेंटी ऑफ जनवरी ट्वेंटी तक उसके बाद ट्वेंटी जनवरी से लेकर थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी ठीक है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है फोर्थ ऑफ फरवरी ऑल इंडिया कोटा की राउंड वन की ठीक है और स्टेट कोटा राउंड वन की सेवन ऑफ फरवरी मीन्स इससे क्या होगा कि सीटों का वेस्टेज नहीं होगा यहाँ पे जिनको सीटें मिलती जाएंगी वो यहाँ से क्लियर होते जाएंगे ठीक है इसके बाद सेकेंड राउंड की अगर हम बात करें काउंसलिंग की नाइन्थ फरवरी ट्वेंटी से एटीन फरवरी ट्वेंटी तक ठीक है ये आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड टू और स्टेट कोटा का राउंड टू की जो डेट है फिफ्टीथ ऑफ फरवरी से लेके एटीन ऑफ फरवरी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ट्वेंटी सिक्स ऑफ फरवरी आपका ऑल इंडिया कोटा का ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फरवरी स्टेट कोटा का ठीक है यहाँ पे चेंजेस हैं अप राउंड भी पैरेलली होगा अप राउंड में सेवन सेकेंड मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू से लेके एवं मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक ये होगा आपका ए आई क्यू ठीक है स्टेट कोटा का अप होगा सेवन ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टेट टेंथ ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक ठीक है इसके अलावा लास्ट ऑफ ज्वाइनिंग नाइन्टीथ ऑफ मार्च और फिफ्टींथ ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है तो पैल रखा गया ये सारा काउंसलिंग इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड ठीक है फॉरवर्डिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ये टेन टाइम्स ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च लेकिन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च सिक्सटीन ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक तो इस्टे वैकेंसी राउंड भी सिक्सटीथ ऑफ मार्च तक चलेगा और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ट्वेंटी सिक्स ऑफ मार्च आपकी ए आई क्यू की होगी ट्वेंटी एथ ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये फिर आपकी स्टेट कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग होगी तो ये आपका पूरा काउंसलिंग शेड्यूल है और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि इससे फ़ायदा ही होगा क्योंकि जिनको सीटें मिल जाएंगी उनके चांसेस यहाँ पे अदर कैंडिडेट्स के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे कि उनको स्टेट से या फिर ऑल इंडिया कोटा से जहाँ से उनको सुटेबल लगेगा वो सीटें ले सकते हैं तो ये आ, सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आप में से जो कैंडिडेट्स स्टेट कोटा की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं वो ये जो डेट है यहाँ से आपकी स्टार्ट हो सकती है बहुत जगह रजिस्ट्रेशन हो गया है बहुत जगह रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो यहाँ से प्रॉसिबली है कि आपका स्टार्ट हो सकता है